हेलो स्टूडेंट, आई एम राहुल। सो मैं टीचर फ्रॉम चिरंग अकेडमी हाई स्कूल सर। एंड टुडेस टॉपिक द ट्रायंगल्स एंड द इट्स प्रॉपर्टीज एक्सरसाइज 6.3। सो नंबर फर्स्ट नंबर भी है, उसका नंबर हम सेकंड सॉल्व करेंगे इसमें। सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एनोड एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम। डायग्राम जो दिए हुए हैं इसमें से आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू सॉल्व करनी है। बट आप सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए। अगर आप सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल लगाते हैं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, तो थ्री एंगल्स का सम 180 होता है। बट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एंगल है, तो आपने एक्सरसाइज 6.2 में फाइंड किया था द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल एक्सटीरियर एंगल्स। मीन्स जो अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे पहले, क्योंकि आप पहले ये दोनों एंगल ले लीजिए और हम इससे क्या करेंगे, x की वैल्यू पहले हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप सम लगा देंगे तो पूरी वैल्यू आपके पास नहीं आ पाएंगे। इसलिए पहले हम यहाँ पे इंटीरियर अपोजिट का सम लगाएंगे और एक्सटीरियर एंगल्स के इक्वल हो जाएगा, और उससे हम x की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे पता चल जाएगी, उससे हम y की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। देखिए मैं लगा देता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल एक्सटीरियर एंगल, मतलब जो इंटीरियर एंगल का जो अपोजिट एंगल का सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल्स के इक्वल जाता है। तो ये दो एंगल्स क्या है, अपोजिट है, इनका जो सम है इसके इक्वल हो जाएगा। मैं एक्सरसाइज 6.2 में फाइंड किया था, क्या ले रहे हैं यहाँ पे, एक्स प्लस 50 इक्वल 120। शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आपको शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स इक्वल 120 माइनस 50। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 70। 50 में आप 120 आप माइनस 50 करेंगे तो क्या यहाँ पे 70। तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू क्लियर हो गई 70। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू क्या फाइंड कर ली है 70। अब आपको फाइंड करनी है y की वैल्यू, तो इसके लिए आपको पता है कि ट्राइंगल है, ट्राइंगल की थ्री एंगल्स होते हैं, उनका सम आप फाइंड कर लेंगे तो आपको ये वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम इसके लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, अगेन क्या लगाएंगे, बाय एंगल ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल होते हैं उनका सम अप्लाई कर देते हैं। क्या क्या है, इसे 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस y इक्वल क्या आएगा 150, क्योंकि ट्राइंगल है, ट्राइंगल के थ्री एंगल्स होंगे उनका सम 150 आएगा। तो 50 और प्लस 70 120 प्लस y इक्वल 150। मैं इनको शिफ्ट करूंगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा y इक्वल 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 60 डिग्री। ये चीज़ है, ये वैल्यू कंप्लीट, आपने वैल्यू भी फाइंड कर ली, x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके बुक में मैं बता देता हूँ तो वो हम यहाँ पे सिंप्लीफाई भी करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड नंबर में आपको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये भी बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा सेकेंड नंबर आपका डायग्राम बना है, देख लीजिएगा। इसमें से अभी आपको x एंड y की भी सॉल्व करनी है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे अंदर ट्राइंगल तो बन गए, ये सब ये कर सकते हैं, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा सकते हैं, तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी। बट उसके लिए हमें टू वैल्यू किसी एक की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो आपको एक चीज़ और भी बताओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मीन्स जब लाइन आपस में ये वैल्यू आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये वैल्यू आपस में क्रॉस हो रही है, और क्रॉस होने के बाद एक यहाँ पे ट्राइंगल बन गया, इस फॉर्म में हो गया। तो आप मुझे ये बताइएगा, ये वैल्यू अगर 80 है तो ये वैल्यू भी 80 होगी, यहाँ पे एक
लाइन ट्राइंगल डिवाइड कर देती है, बट ये लाइन आपस में क्रॉस तो नहीं है वर्टिकली अगर, तो क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यू इक्वल होंगे, मतलब एंगल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 डिग्री। हम लिख देंगे क्यों है तो मैं बता देता हूँ, सॉल्व करते हैं। एंगल वाई इक्वल 80 डिग्री क्यों है ये हम यहाँ पे बता देते हैं, वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, मीन्स एंगल वाई इक्वल क्या हो जाएगा 80 डिग्री। अब आपके पास एंगल 80 की वैल्यू वाई की वैल्यू पता चल गई 80, अब देख लीजिए ट्राइंगल में टोटल एंगल्स के जो थ्री एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री, टू आपके पास वैल्यू भी है, वन आपको फाइंड करना है तो हम फाइंड कर सकते हैं, लगा देते हैं यहाँ पे फॉर्मल, मैं एंगल सम प्रॉपर्टी आप सिंप्लीफाई करते रहिए, आपको और भी ऐसे जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए सिक्स नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड में सिक्स नंबर कैसे सॉल्व करना है, इसमें भी आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल लग रहा होगा, ऐसे डायग्राम बना हुआ है स्टार्टिंग, ये ऐसी लाइन है टू लाइन, ये आपस में इंटरसेक्ट है, मतलब आपको ये तो पता है कि ये वैल्यू अगर एक्स है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, बट एक लाइन ऐसी गई ये लाइन ऐसी गई तो ये डायग्राम यहाँ पे बन गया, मतलब ये वैल्यू अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा x डिग्री, ये वैल्यू यहाँ पे देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो हमें पता चल गया ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी एंगल y इक्वल क्या हो जाएगा एंगल x हो जाएगा, ये वैल्यू भी दोनों क्या इक्वल है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वजह से, तो ये चीज़ हम यहाँ पे बता देंगे, बट एक चीज़ ये है कि यहाँ कोई एंगल गिवन नहीं, कुछ एंगल यहाँ पे गिवन होता तो उसके इक्वल हम यहाँ बता देते हैं और ईजीली हो जाता, तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप ए ले लीजिए और यहाँ पे मैं बी ले लेता हूँ, इससे क्या होगा ये इजी भी हो जाएगा आपको सॉल्व करने में कुछ समझ में आएगा, क्योंकि अंदर कोई एंगल नहीं बन रहा है तो यहाँ पे हम ले सकते हैं एंगल के नेम। अब ये चीज़ मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, देखिएगा सॉल्यूशन में कुछ भी आप ले सकते हैं, मैं यहाँ पे ए भी ले लिया इजी के लिए क्योंकि इंटीरियर में कोई एंगल होना चाहिए जिससे हम सिंप्लीफाई करें, आप यहाँ पे नंबर भी ले सकते हैं लेटर ले सकते हैं जो आपको लेना है ले सकते हैं, हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, सॉल्यूशन एंगल वाई इक्वल एंगल एक्स, एंगल बी इक्वल एंगल एक्स, एंगल ए इक्वल एंगल एक्स, क्यों है ये हम बता देते हैं ब्रैकेट में मैंने क्यों बता दूँगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल सब क्या है एक्स है, यहाँ पे भी हम देखते हैं एक्स, ये भी क्या हो जाएगा
इक्वल है, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। मान जाएंगे माय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल एग्जाम्पल से भी आपको लेना है और उसको आपको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।